अभी हम लोग राजगीर मेला में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे झूला सस्ता झूल सकते हैं और शोभा थिएटर देख सकते हैं। तो आप सस्ता खाना खा सकते हैं। ये रहा पंडाल आदित्य सुध शाकाहारी खाना। यहाँ पे शौचालय है, अगर आप लोग को किसी को प्रॉब्लम हो तो आप आ सकते हैं, फ्री निःशुल्क सेवा है। तो चलिए मेला का टूर कराते हैं और आप लोगों को बताते हैं आपको यहाँ कैसे आना चाहिए, क्या क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ढेर सारा टमटम चलती है जो कि आपको पार्किंग से लेके आपको मेले तक पहुँचा देगी, और टोटो ऑटो सारा चीज़ आप लोगों को मिलेगा। तो ये सस्ती रोटी, यहाँ पे आप लोगों को सस्ती रोटी मिल जाएगा जो कि बिहार सरकार की तरफ से मिलता है। एक बड़ी सी गुरुद्वारा भी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पे ढेर सारा स्टॉल लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे जब भी खाना खाओ तो सस्ती रोटी में खाना 30 रुपये में आपको भरपेट चावल दाल सब्जी या फिर रोटी ले सकते हो। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था, अभी आप खाली देख रहे हो, अभी थोड़ा बारिश हुआ इसीलिए। और यहाँ पे शौचालय का भी सुविधा जो कि निःशुल्क है, मेडिकल से रिलेटेड आपको सारा कुछ मिल जाएगा, मीन्स एम्बुलेंस भी मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको रहने के लिए भी मिल जाएगा रात में, जो कि आपको स्टेशन साइड देखने को मिलेगा, आप स्टेशन साइड में जाके रह सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आए हुए, भीड़ है। ब्रह्म कुंड है यहाँ पे, जो कि लोग घंटों भर लाइन में रह के यहाँ पे नहाते हैं और शुद्ध होते हैं। मेला में लोग आते हैं और आनंद लेते हैं। ब्रह्म कुंड और सूर्य कुंड दोनों है, जो कि एक सूर्य कुंड आपको झारखंड में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे भी मेला लगता है, काफ़ी शानदार लगता है। लेकिन आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे भी पूरा टूर करो, और यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि डिज्नीलैंड, यहाँ पे ढेर सारा सामान मिलेगा, यहाँ पे बहुत तरह के झूले मिलेंगे आप लोगों को, बहुत तरह का सामान मिलेगा आप लोगों को, मीन्स हैंडक्राफ्ट या कुछ भी तरह का सामान आप ले सकते हो, बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है। और तरह तरह के झूले मिलेंगे, जैसे कि देख सकते हो क्राफ्ट बाजार है, यहाँ पे आप हैंडमेड चीज़ ले सकते हो, और काफ़ी सुंदर झूला है यहाँ पे। और आप लोगों को भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर टनल भी देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। बोट झूला है जो कि आप यहाँ पे झूल सकते हो, ये काफ़ी ईजी रहता है, इसमें सारे कोई झूल सकते हैं, जिसमें मैं भी झूल सकता हूँ। और ये देख सकते हो कितना ऊंचा लेके जाते हैं और नीचे घुमाते हैं, तारा माची से भी ज़्यादा हाइट का है, जो कि आप लोगों को बेसिकली बेंगलोर साइड मीन्स बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है, वो भी झूला यहाँ पे अवेलेबल है, मीन्स आप यहाँ पे झूल सकते हो। मौत कुआं है, और बच्चों के लिए भी झूला है, मीन्स बच्चे जिसमें जा सकते हैं, डरेना वैसे टाइप का भी झूला है। और आप ये देख सकते हो ये काफ़ी ख़तरनाक झूला है, जो कि आपको पूरा 360 डिग्री आपको रोटेट करता है, और देख सकते हो ये पूरा उल्टा कर देता है, मीन्स आप सीधे बैठे हो पूरा उल्टा होके आपको ये रोटेट करता है। और तारा माची भी यहाँ पे बहुत बड़ा वाला है, आप यहाँ पे भी जाके झूल सकते हो, झूले में काफ़ी शानदार और ख़तरनाक है। मैं तो नहीं गया क्योंकि मेरे को ये सब पसंद नहीं है, थोड़ा सा डर भी लगता है ये सब में जाने के लिए, तो मैं नहीं गया। अगर आपको शौक़ है तो आप जा सकते हो, मीन्स इंजॉय कर सकते हो। और भीड़ के कारण भी लोग नहीं जा पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन में लगना पड़ता है। तो आप अगर मेले को इंजॉय करने आए हो तो मेला को ज़रूर इंजॉय करो, बहुत ही शानदार है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पर सामान खरीदो, थिएटर है शोभा थिएटर, तो आप थिएटर में भी जा सकते हो। इसका चार्जेस अप्रॉक्स 200 से लेके आप लोगों को 1200 तक यहाँ का चार्जेस लगता है। और यहाँ पे जादूगर भी है और झूले, बहुत सारे चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो आप ज़रूर आओ, विजिट करो, और यहाँ पे आप भी घूमो। मलमास का मेला जो कि राजगीर में लगता है, तो आप ज़रूर घूमना। आप देख सकते हो जो सॉन्ग बज रहा है, सो लोग बाहर में डांस कर रहे हैं, पूरा झूम रहे हैं, मेला को इंजॉय कर रहे हैं पूरा ख़तरनाक तरीके से। तो आप भी जाओ, आप भी इंजॉय करो, यहाँ का फूड टेस्ट करो, इंडिया थिएटर, तो ऐसे करके बहुत कुछ यहाँ पे है, काफ़ी शानदार तरीके से सजाया गया, डेकोरेट किया गया है, और काफ़ी अच्छा लगता है। फायर पान आपको सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, तो आप ज़रूर एक बार विजिट करना, आप लोगों को मज़ेदार लगने वाला है। ऐसे ही चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले टाइम में अपडेट मिलता रहे मेरे चैनल का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।